नमस्कार, कुक एंड चिल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिरंगा पराठा, जो बहुत ही स्वादिष्ट पौष्टिक होता है। इसके लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी, गाजर और फूल गोभी। प्लेट में करके तीन हिस्से, अब हम इनमें थोड़ा थोड़ा प्याज डाल देंगे। बीच में मैंने हरी मिर्ची भी डाली है। प्याज हमने इसलिए डाला है ताकि इसका क्रंच और बढ़ जाए। धनिया हम सिर्फ पत्ता गोभी वाले में ही डालेंगे, तीनों में नहीं डालेंगे। आजकल की पत्ता गोभी वाइट वाइट आ रही है, बिल्कुल ग्रीन नहीं है, नहीं तो तीनों तीन रंग का बनता है, तिरंगा परांठा बनता है ये। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी मिर्ची डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा नमक। मैं ये एक ही दो ही परांठे बना रही हूँ, अगर ज़्यादा बनाने हो तो तीन बर्तनों में डाल सकते हैं। इसके लिए तो मैं सिर्फ एक ही प्लेट में डाल दिया। थोड़ा थोड़ा जीरा इसमें डाल देंगे और अभी थोड़ी थोड़ी अजवाइन इसमें डालेंगे। ये देखो, ये परांठा बनके बहुत टेस्टी बनता है। एक परांठे से ही पेट भर जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। इसकी तीन लेयर बनेंगी, इसीलिए इसे तिरंगा परांठा बोलते हैं। हमने तीन फुलके बना के रख लेने हैं। अब मेरे पास ये तीन फुलके बन गए हैं, दो मैंने ये बना लिए, ये दो फुलके मेरे बन गए हैं। एक बना के बीच में हम सूखा आटा डाल देंगे ताकि हम दूसरी बार उसे उठा सकें। अब ये परांठा बनाने के लिए पहले हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब इसमें हम सबसे नीचे पत्ता गोभी की लेयर लगाएंगे। जितना इसको भरोगे उतना मजा आता है इसमें। हमने इसे तिरंगे की तरह बनाना है। ये हमारी पहली लेयर लग गई है, अब हम दूसरी लेयर लगाएंगे। अब हम लगाएंगे दूसरी लेयर, इसको जरा सा दबा देंगे। अब इसके ऊपर फिर से घी डालेंगे, हाथ से ही फैलाएंगे, अगर चम्मच लगाएंगे तो ये निकल भी सकती है। अब बीच में लगाएंगे हम गाजर की लेयर। ये देखो, ये पराठा बड़ा पौष्टिक होता है और बढ़िया होता है, खाओगे तो मज़ा आ जाएगा, इसको बनाना जरूर आपने। ये देखो कैसे बन गया। अब इसके ऊपर थर्ड लेयर लगाएंगे, ये देखो तीसरा। इसको हल्का सा दबा देना है हमने अभी। अब इसके ऊपर दूसरी, इसके ऊपर हम ये फूल गोभी की लेयर लगाएंगे। इसका कोना कोना भर देंगे हम। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, इसको अच्छी तरह फैला देना है। अब इसके ऊपर लास्ट लेयर लगाएंगे। लग गई है, उसके ऊपर ये लास्ट वाला फुलका डलेगा सूखा। तीन फुलके बीच में लगेंगे, चौथा ये ऊपर लगेगा। मैंने तीन बताए थे, एक मेरा बना पड़ा था, अब वो ऊपर लगा दिया है। अब इसको हम धीरे से उठाएंगे, ऐसे दबा दबा के, हल्का सा बेल भी सकते हैं ताकि ये इक्वल हो जाए। अब हमने ये तवा गर्म कर दिया है, अब इसे हम स्लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम घी। अब हम पराठा सिकने के लिए तवे पे डाल रहे हैं। अब इसको स्लो पे पकाएंगे, जितना स्लो पे पकेगा उतना कुरकुरा और बीच से अच्छी तरह से पक जाएगा। जब से सीख गया है तब हम इसे पलट देंगे। ये देखो एक तरफ से बिल्कुल कुरकुरा हो गया, तब हम इसके साइडों में घी डाल देंगे। कौन खराब, अब हमने दूसरी तरफ पलट लिया, देखो कितना बढ़िया कलर आया है। पराठा बिल्कुल बन के हमारा गोल्डन कलर का, कुरकुरा बहुत टेस्टी बन के तैयार हो गया है। ये देखो कुरकुरे तन की आवाज़ सुनो आप इसकी। अब देखो उठा के हम इसे डालेंगे प्लेट में। अब हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है, ये देखो हमने काट के रखा है। ये देखो बिल्कुल हमारा, ये कैसे अलग अलग से परतें इसकी खुलेंगी। ये देखो अभी बहुत गर्म है, अभी देखो
अब हम इसे चटनी के साथ, मक्खन के साथ या दही के साथ खा सकते हैं। ये हमारा परांठा बिल्कुल तैयार है। प्लीज़ ट्राई करें। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। परांठा बना के ज़रूर ट्राई करें और बताना आपको कैसा लगा। धन्यवाद।